एक बार ये डिसाइड हो जाए कि आपको जाना कहाँ है उसी के अकॉर्डिंग तो आप एक्शन लेंगे। इसीलिए जरूरत है राइट प्लानिंग की। 200 दिन में 200 करोड़ की इंडस्ट्री वैल्यूएशन की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया में वही कंपनी लीड कर सकती है जिसको पता है कि उसके अपकमिंग प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं। उसके लिए जरूरत है सही मार्केट रिसर्च एनालिसिस और उन प्रोडक्ट को समझने के बाद उनका डेवलपमेंट। तो हम भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए तैयार हैं और वेंडर से लगातार मीटिंग्स हमारी हो रही है। साथ ही साथ राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ लगातार अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करके हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सभी बिजनेसेस की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है सेल पर, और सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जरूरत है नए क्लाइंट्स की। जब क्लाइंट्स आपके पास होंगे तभी तो आप अपने इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के बारे में बता पाएंगे। इसीलिए डेवलपमेंट करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरत है एक ऐसी टीम की जो कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए आपका हर पल साथ देने के लिए तैयार हो, और फंड्स की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स क्लाइंट और एसोसिएट पार्टनर से लगातार मीटिंग करते रहें। जो लक्ष्य हमने बनाया उनको जल्दी हासिल करेंगे। मिलते हैं 5 दिन बाद अगली वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, 200 दिन में 200 करोड़ के इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन और सेटअप की वीडियो में मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। 9 key points है जिस पर एक बिजनेस ओनर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा इनको चेक करता है। सबसे पहला, कैश फ्लो पर हमेशा नजर रखें। कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव अगर कैश फ्लो हुआ तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बाद भी बंद होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, अपने बिजनेस में हमेशा मंथली पॉसिबल इनकम पर नजर रखें, वो हमेशा ग्रोइंग होनी चाहिए। फिक्स्ड एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपकी है उस पर भी हमेशा नजर रखें। फिक्स तो है ही है, साथ में वेरिएबल को भी मॉनिटर करते रहें। ऑन टाइम पेमेंट पॉसिबिलिटी हमेशा रखें, क्योंकि अगर ऑन टाइम पेमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है तो मार्केट में रेपो डाउन होता है, जिससे बिजनेस डाउनफॉल में आता है। कैश फ्लो और साथ में प्रॉफिट आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए जरूरत होती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करते हुए हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाएं। ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन पर हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन कवर होगा। एक्शन प्लान हमेशा बनाएं कि आपकी राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे होगी, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे होगी। मार्केटिंग होगी तो लीड जनरेट होगी, और लीड जनरेट होगी तो सेल्स कन्वर्जन होगा। दुनिया के सारे बिजनेस सेल्स पर डिपेंड करते हैं। और अपने पूरे बिजनेस प्रोग्राम को रेगुलर मॉनिटर करें, क्योंकि मॉनिटरिंग से ही हमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स मिलते हैं जिनको हम इम्प्रूव करके अपने बिजनेस प्लान को बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टर भी इन सभी बातों पर ध्यान देता है, आपको भी इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, 200 दिन में 200 करोड़ के इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन की वीडियो में मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। इन्वेस्टर को बिजनेस प्लान पिच करते समय हमेशा ध्यान रखें 10 बातें। नंबर 1, रियलिस्टिक बिजनेस प्लान बताएं। इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता लग जाता है कि यहां कहीं ना कहीं फेक कैलकुलेशंस हैं। फ्रैक्शन फिगर्स के आधार पर बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करें। ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो, ओवर एक्साइटमेंट पे कई बार गलती हो जाती है। ऑप्टिमिस्टिक ना हो, बहुत दूर का प्लान ना बनाएं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल प्लान बनाएं तो नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर का प्लान बनाएं। हर चीज को 100% परफेक्शन पर होगा ऐसी उम्मीद कभी ना रखें। गलती तो होगी लेकिन उसको इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। डाउनफॉल से कभी ना डरें, और वर्स्ट सिनेरियो केस के लिए भी हमेशा तैयार रहें। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए भी हमेशा तैयार रहें, और साथ साथ फेलियर से ना डरें, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर आपके बिजनेस प्लान को रिजेक्ट करता है तो कोई और इन्वेस्टर उसको पसंद करेगा। जरूरत है तो केवल अपने फेलियर से अपनी गलतियों को समझकर अपने बिजनेस प्लान को इम्प्रूव करने की। इम्प्रूव्ड बिजनेस प्लान होगा तो नेक्स्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा। ये बातें जरूर ध्यान रखें।